हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने एक कोबरा का रेस्क्यू किया था और हम लोग उसको जंगल में रिलीज़ करने के लिए आ गए हैं। तो वीडियो बनाने का रीज़न ये है ताकि आप उसे देख के पहचान सकें कोबरा कैसा होता है। बाकी बहुत सारी वीडियो हमने बनाई, बाकी आप उसको थोड़ा करीब से देख पाएंगे और देख के जान सकें कि कोबरा कैसे होता है, क्योंकि लोग नॉन वेनमस सांप को वेनमस समझ के मार देते हैं और वेनमस को नॉन वेनमस समझ के उठा लेते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए दोस्तों, और कभी कुछ ऐसा ट्राई मत करें। ये रेस्क्यूअर्स के लिए है कि सांप को छोड़ा कैसे जाए। बाय चांस ऐसे आपने इसको रेस्क्यू किया है तो उसको छोड़ने का तरीका भी होता है। कुछ लोग उसको हैंडलिंग करते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे ये सांप है और वो टेल पकड़ लेते हैं, एक साथ बताते हैं नर मादा का जोड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सेफ तरीके से छोड़ देना चाहिए। सिंपली छोड़ने के बाद आप उसका, जैसे कि वो जंगल में जा रहा है, अगर रुक गया है तो आप उसका वीडियो बना सकते हैं। तो हम इसको एमरजेंसी में, हम लोग कहीं से पार्टी से आ रहे थे तो हमारे पास कॉल आ गई थी, तो हम लोगों के पास बैग नहीं था, रेस्क्यू बैग। तो हमने इसको इस बॉक्स के अंदर किया है रेस्क्यू, जिसे आप देख पा रहे हैं डिब्बा ये, और इसे बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका जो ढक्कन है इसको खोल देना है। ढक्कन खोलने के बाद इसको हम पीछे हट जाएंगे, और बॉक्स को ऐसे नहीं कर देंगे ताकि वो निकल सके। बॉक्स को पकड़िए। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है, और मैं इसको टच नहीं करूंगा, आपको स्टिक से दिखाऊंगा जो भी दिखा सकता हूँ। जैसा कि इसने कैमरे में माइट किया, तो गाइस आपने कभी देखा होगा सपेरे को कि सपेरे बीन बजा रहा होता है तो सांप को कहते हैं सांप नाच रहा, तो सांप नाच नहीं होता। तो अभी ये कोबरा है, आप इसके तरफ जैसे जैसे इसके पास कैमरा जाएगा ये जैसे जैसे मूव करेगा। देखिए जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मूव कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे कैमरा जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में सांप भी जाएगा, थोड़ा राउंड करेगा। देख, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस देखा आपने, हमने पूरा सर्कल एक राउंड लिया और उसका फेस भी राइट रहा। तो ये चीज़ को देख कर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सपेरा बीन बजा रहा होता है तो अपनी बीन को हिला रहा होता है, वरना जो है कोबरा उसके तरफ ध्यान ना दे। अगर वो बीन हिलाना बंद कर दे तो सांप चला जाएगा चुपचाप। तो ये आपकी नॉलेज के लिए था, और हम इसे जाने देंगे। तो आपने इसको देखा, तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हाईली वेनमस स्नेक है। और ये आपकी जानकारी के लिए था कि आप इसे देख के पहचान सकें। तो कभी भी अगर आपको दिखता है तो आपको इसको छेड़ने या मारने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करें, और अगर सबसे आसान तरीका आप 112 पर कॉल कर सकते हैं, जो जिससे कि आपका सांप रेस्क्यू हो जाएगा। और कभी भी अगर बाय चांस अगर आपको बाइट हो जाती है, स्नेक बाइट मान लीजिए अगर आपको काट लिया है, तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कौन से सांप ने काटा है। तो अगर आपको सांप दिख रहा है तो उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, फ़ोटो, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिससे आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और कई मान लीजिए बाइट हो गई है, तो ये हो सके आपको जो है सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अगर आपको बाइट हुई है तो आपको काटना, चीरना, वॉश करना और चूसना नहीं है। ये सब चीज़ें WHO की गाइडलाइन में मना है। और जितनी जल्दी हो सके नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक लोग आपको पकड़ के बैठने वाले और एक बंदा बाइक चलाने वाला, तीन लोग होने चाहिए। तो दोस्तों, हम इसको जंगल में थोड़ा छोड़ देंगे ताकि ये जा चला जाए, क्योंकि हम इसके सामने थोड़ा मुँह हिल रहे थे तो इसकी वजह से रुका हुआ है, और हम इसे थोड़ा जंगल में छोड़ देंगे ताकि ये जाए। इसको हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे, जो स्क्रूज पकड़ते हैं हाथ से उठा के दिखाते हैं वो हम नहीं करेंगे। हम इसको सेफ तरीके स्टिक से उठा करके दूर करेंगे। आपको दिखाने के लिए हमारे पास स्टिक है, आप इससे भी देख सकते हैं, तो आपके कितने करीब है ये आप इसे पहचान सकते होंगे। पीछे इसका बड़ा सा फन है उड़े। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि हाईली वेनमस स्नेक है। हाईली वेनमस स्नेक, किसी किसी में क्या होता है, जो इसके फन के पीछे आपको दो निशान दिख रहे होंगे वो नहीं होते हैं, और रंग कोई कोई ब्राउन होते हैं, कोई ब्लैक होते हैं, कोई लाइट ब्लैक होता है। और इसका पेट आगे से देखिए ग्रे पर है, इसका पेट का रंग जो है। हम इसे जंगल में छोड़ देंगे ताकि ये अपनी जगह पे जाए। और ये हाईली वेनमस स्नेक है, इसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे लोग नाग कहते हैं, पटार कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम के उससे बुलाया जाता है, लोग इसको मतलब बोलते हैं। तो ये है उसका बेबी, और इसको हमने रात में इसको किया था, और हम इसे जंगल में छोड़ गए हैं। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हाईली वेनमस स्नेक, वो अभी से हम जंगल में छोड़ देंगे। जैसे कि किसी पेड़ की जड़ हो तो हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये जाए। सबसे सेफ तरीका, हमें सांप को टच भी नहीं करना और वो अपने आप चला जाएगा। और जैसा
से पेड़ की जड़ मिल रही है।